जय श्री राम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक संवेदनशील विषय को लेकर, जो विषय ऐसा है जिस पर सोशल मीडिया में या किसी भी मीडिया में या परिवार में या समाज में वार्तालाप कम होती है। उस विषय पर बातचीत करना या अपने विचार रखना अश्लीलता की श्रेणी में आता है। हमारे समाज में या सोशल मीडिया में, मीडिया में, OTT में आज क्या परोसा जा रहा है, वो है अश्लीलता। अश्लीलता को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं। हम सोचते हैं कि अश्लीलता की उत्पत्ति मोबाइल से हुई है, इंटरनेट से हुई है या आधुनिक समय में हुई है। ये बात कुछ हद तक सही है कि मोबाइल इंटरनेट ने इसको बढ़ावा दिया है, मगर जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे तो क्या समाज में अश्लीलता नहीं थी? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या अश्लीलता की उत्पत्ति अभी हुई है? क्या प्राचीन काल में अश्लीलता नहीं थी? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहाँ पर कई मूर्तियाँ अश्लीलता से भरी हुई है, जो हमारे समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। मैं उन स्थानों का नाम लेना इस वीडियो में जायज नहीं समझता। हो सकता है ये वीडियो कुछ 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति भी देखें, मगर इस वीडियो का मकसद अश्लीलता को जस्टिफाई करना, अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो का मकसद समाज की हकीकत से आपको रूबरू कराना है। अश्लीलता कब बढ़ती है और क्यों बढ़ती है और इसके कारण क्या है और इसके रोकने के उपाय क्या है, इस पर आज मंथन करने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि मोबाइल से किसी वीडियो को बैन कर देने से, OTT पर किसी वेब सीरीज को बैन कर देने से अश्लीलता खत्म हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। अश्लीलता हमारे दिमाग में है। अश्लीलता हम देखना चाहते हैं तभी वो दिखती है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वे बहुत कम देखने वाले दर्शक होंगे, हो सकता है नगण्य हों, मगर वही अश्लीलता के वीडियो हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में बिकते हैं, देखे जाते हैं और उनके सब्सक्राइबर भी खूब होते हैं। मुझे इन चैनलों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर सोशल मीडिया में जहाँ अश्लीलता है, हिंसा है, राजनीति है, वो वीडियो ज़्यादा चलते हैं। गाली गलौज है, किसी को उखाड़ना है, पछाड़ना है, ऐसे वीडियो की बाढ़ है, क्योंकि समाज वही देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक वीडियो नहीं चलते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि समाज में सिर्फ अश्लीलता ही चलती है, मगर एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग अश्लीलता का को खरीदने वाला वर्ग है, और वह वर्ग अश्लीलता के समर्थन में खुलकर कुछ नहीं बोलता है, मगर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। और कई बार तो वे अश्लीलता के विरोध में भी अपनी बात रखते हैं सार्वजनिक मंच से। दूर कहाँ जाना, आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। आसाराम बापू, जिनके कई वीडियो आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर या काम वासना कैसे दूर करें इस पर दिखाई देंगे,
और उनके कर्म उससे अपोजिट हैं। यहाँ मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति कई बार अश्लीलता के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह इसका ग्राहक नहीं है। एक व्यक्ति का नाम लेना मुझे ज़रूरी था ताकि बात पूरी तरह समझ आ सके, मगर ऐसे कई व्यक्ति हैं, या मैं किसी साधु विशेष के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या मोबाइल और इंटरनेट से पहले अश्लीलता नहीं थी हमारे समाज में? तो ये बात बेमानी होगी कि हमारे समाज में मोबाइल और इंटरनेट के बगैर लोग फिर भी किसी दूसरे के घरों में जागना, छतों से झांकना या किसी के अंतरंग सीन को देखना पसंद करते थे। आज मोबाइल है तो मोबाइल में देखना पसंद करते हैं, मगर समाज वही है हमारा। कई बार हम देखते हैं कि अश्लीलता को लेकर कड़े कानून या किसी ऐप को बंद करना, किसी वेब सीरीज को बंद करना सरकार कठोर कदम उठाती है, मगर फिर भी अश्लीलता दिन दोनी बढ़ रही है। अब इसका विरोध करने पर, इसको गलत ठहराने पर हजारों लोग एकत्रित हो जाएंगे। अश्लीलता के खिलाफ बोलना हो तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने आप को एक धार्मिक परंपरावादी संस्कृति का संरक्षक बनने के लिए तैयार रहता है। हर आदमी अश्लीलता के खिलाफ बोलेगा, और जो आदमी अश्लीलता के थोड़ा सा फेवर में या बीच की बात भी रखता है तो उसको कहा जाता है कि आप अश्लीलता के समर्थक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो अश्लीलता के खिलाफ बोल रहा है वो खुद अश्लील ना हो या अश्लील साहित्य या अश्लील वीडियो ना देखता हो। वे उसका डबल चेहरा होता है जो दिखाई नहीं देता है। अश्लीलता की इंडस्ट्री, अश्लीलता का कारोबार बढ़ने पर कई बार इसकी ब्लैकमेलिंग भी देखी गई है कि जो चीज़ बैन होती है वो दुगने तिगने भाव में बिकती है। भारत में जहाँ पर अश्लीलता को लेकर कुछ स्थान बैन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस बैन को लागू करने वाली संस्थाएं हैं वे खूब अच्छी तरह से चांदी कूटते हैं, क्योंकि बैन में कमाई भी होती है। मगर आज भी एक अच्छे साहित्य की कमी है जो हम एक अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हम इस विषय पर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं कि समाज में कैसे जागरूकता लाई जाए। अश्लीलता को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, मगर ये बात समझनी होगी कि अश्लीलता का विरोध करने से अश्लीलता खत्म नहीं होती है। हमारे दिमाग में जो कचरा है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। आज YouTube पर, Facebook पर अश्लीलता के हजारों वीडियो हैं, और वो वीडियो इसलिए है कि उसके खरीदार बहुत हैं, उसके देखने वाले लोग बहुत हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं वे भी इस वीडियो का आनंद लेते हैं, जो अभी तक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो मेरा आज की वीडियो का ये निष्कर्ष है कि अश्लीलता को लेकर जितना विरोध समाज करता है कई बार, या कोई व्यक्ति करता है या कोई संस्था करती है, तो वह दिखावा भी हो सकता है। इसका सही तरीके से समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसका विरोध करने से इस समस्या का हल नहीं होगा। इसके समाधान के लिए हमें बेहतरीन प्रयास करने होंगे, और ये सरकारी स्तर पर होंगे, तभी एक अच्छे समाज की, एक अच्छे भारत की, एक अच्छे विश्व की परिकल्पना की जा सकती है। तो आज का मेरा ये विचार अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री राम।